हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी स्टार किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी कीमे से, लेकिन बहुत ही झटपट ये बन जाती है। आप इसको अफ्तार में फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच सरसों का ऑयल डाली हूँ, और आधा चम्मच जीरा, और 2 मीडियम साइज़ का प्याज, और 2 हरी मिर्ची को रफली चॉप करके आप इसको प्याज और मिर्ची को फ्राई कर ले अच्छे से। और फिर इसमें कीमा को डाल देंगे, और कीमा को डालने के बाद इसमें आप, यहाँ पर मैं 200 ग्राम कीमा ली हूँ, और इसमें मैंने 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची डालें। अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची डालें। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच मिर्ची, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड की हूँ, और 2 तेज़पत्ता मैंने यहाँ पर ऐड किया, और थोड़ा सा पानी डाल करके आप 4-5 चम्मच आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसको ढक करके पकने दें। बहुत ही फटाफट फ्रेंड्स बन जाता है ये रेसिपी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं मैदा ली हूँ 1.5 कप, और इसमें बस थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बना लेंगे। बिल्कुल पतला बैटर बनाना है। और इधर देखिए, कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। इसको इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो इसको इसी तरह से ढकते हुए कुक करना है फ्रेंड्स, तो कीमा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए, अब यहाँ पर परफेक्टली ये कीमा भुन चुका है। तो इसमें आप हरा धनिया डालेंगे। आप इसमें अगर शिमला मिर्च, कॉर्न्स, या आप चीज़ लवर है तो चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक तरीका है ना फ्रेंड्स बनाने का, मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। तो देखिए, यहाँ पे बैटर इसी तरीके से, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। और अब जो इसमें जाएगा फ्रेंड्स, 1 अंडा, अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले अलग से छोटे से बॉल में आप इसको मिक्स कर लें, फिर आप इसको मैदे के बैटर में मिलाएं, और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप इसको जितने अच्छे से बनाइएगा उतना ही अच्छा ये बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स, जितना अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। और ये मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ली हूँ, और मैं यहाँ पर एक पैन चढ़ाई फ्रेंड्स, और इसमें थोड़ा सा बस ऑयल लगाना है। आप 1 से 2 बार ही ऑयल लगाएंगे, बाकी तो फिर बिना ऑयल के ही ये बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे, और इसको इसी तरह से गोल गोल बना लेना है पूड़ी के साइज़ में। ना तो आपको बेलने का झंझट है, ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, और फटाफट ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन करके ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा कीमा डाल रही हूँ, 1 चम्मच, और इसके ऊपर से ये मैदे वाला बैटर है फ्रेंड्स, इससे है ना ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये फ्राई करेंगे ना इसको जब, तो ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी, इसी तरीके से चिपक जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ये चिपक गया है। ना तो इसको आपको मोल्ड में डाल करके कोई शेप बनाना है, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। और एक एक करके सारे आप बना लें, और इसका नाम बड़ा ही यूनिक है फ्रेंड्स। आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इसका नाम पंतरास है। तो एक एक करके सारे पंतरास को इसी तरीके से बना लेना है। और अब ऑयल को अच्छे से गरम कर लें, और सारे पंतरास को डाल करके आप फ्राई कर लें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और झटपट से बन जाता है। फटाफट आप 10 से 15 मिनट में आप ढेर सारा बना करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स,
मैं सारे स्नैक्स को फ्राई कर ली हूँ और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही इजी बनाना है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर आप बना करके ट्राई कीजिएगा। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च को फ्राई कर लिया था। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए रेडी है बहुत ही यमी और डिलीशियस सा, झटपट से बनने वाला ये स्नैक्स।